दोस्तों, जैसे कि मार्केट में अभी बुल रन चल रहा है और आने वाले वीक में आरबीआई की पॉलिसी है, क्या इस बुल रन को आरबीआई पॉलिसी जो है कि रुका सकती है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दुबई चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा है मैं यहाँ पे कवर करूँगा। दोस्तों, आने वाले वीक में देखने के पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट वीक में क्या हुआ था। तो लास्ट वीक में बहुत अच्छी तरह बुल रन शुरू हुआ है और मार्केट जैसे हमने एनालिसिस किया था वैसे ही बहुत अच्छी तरह दौड़ रहा है। निफ्टी ने वीक ऑन वीक 439 पॉइंट्स यहाँ पे गेन किया है और बैंक निफ्टी ने 753। कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा अभी चला नहीं है। आने वाले वीक में निफ्टी का क्या रेंज हो सकता है? तो यहाँ पे निफ्टी का रेंज जो है थोड़ा अपर साइड में है, जो है कि रेसिस्टेंस 17,500 और सपोर्ट 16,900। ये मैंने ऑप्शन चेन के ऊपर देखा है और मेरा जो लेवल रहेगा मैं आपको बताऊंगा, जो है कि चार्ट के ऊपर हम लोग एनालिसिस करके देखेंगे। आने वाले वीक में क्या बड़े इवेंट्स हैं? तो सबसे बड़ा हमारा इवेंट्स है जो कि 4 तारीख को ये अपना आरबीआई पॉलिसी है। तो जैसे आपने देखा होगा कि यूएस में फेड मीटिंग आने के बाद मार्केट ने बुल रन शुरू किया, तो अपना जो आरबीआई पॉलिसी है ये बुल रन और आगे लेके जा सकता है या फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा करेक्ट हो सकता है, ये हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे कि क्या लेवल हो गए मार्केट के। आने वाले वीक में कौन से बड़े कंपनी का रिजल्ट है? तो यहाँ पे बजाज कंज्यूमर का रिजल्ट है 1 तारीख को, ITC और UPL का, इनका सबका 1 तारीख को रिजल्ट है। 5 तारीख को महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिजल्ट है और 6 तारीख को SBI का है। तो ये सब इवेंट्स हैं आने वाले वीक में और बाकी सब हम लोग देखेंगे चार्ट के ऊपर। तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग वीकली व्यू जो है कि यहाँ पे शुरू करते हैं निफ्टी से और मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट जूम करता हूँ। हम लोग वीकली व्यू देख रहे हैं तो हम लोग पहले लॉन्ग टाइम फ्रेम का देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मंथली कैंडल देखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे मंथली कैंडल देख रहे हैं तो ये बहुत ही स्ट्रांग जो है कि एक रिवर्सल आया, तो ये जो मंथली कैंडल में क्लियर कट एक बुलिश इंगल्फिन भी दिख रहा है और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पे अगर आप मंथली में देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको जो है कि 18,114 का दिख रहा है, जो कि एक कैंडल का हाई है और कैंडल जो है कि एक स्ट्रांग कैंडल यहाँ पे मंथली में दिख रहा है। हम लोग वीकली में देखेंगे तो वीकली में यहाँ पे देखिए कि अगर मैं एक लॉन्ग टर्म का भी ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो जो मार्केट है ऊपर के ट्रेंड लाइन की तरफ जाते हुए दिख रहा है और नज़दीक का जो ये था वीकली में अगर हम लोग देखेंगे जो कि हाई था, जो था यहाँ पे 16,000, यहाँ पे हाई जो था 16,793 का, यानी 16,800 का, जो कि मार्केट यहाँ पे कम्प्लीटली ब्रेकआउट करके स्ट्रांगली खड़ा है। तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा ये ट्रेंड लाइन के आसपास होगा और वो यहाँ पे लगभग 18,000 के आसपास आते हुए दिख रहा है। तो ये 18,000 जो है कि यहाँ पे मार्केट आने के टाइम पे ये ब्रेक भी करेगा ट्रेंड लाइन और 18,000 के ऊपर अगर एक क्लोज दिख आता है तो एक जैसे कि और भी एक रैली हो सकता है। लेकिन और एक थॉट प्रोसेस भी है कि अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक कर रहा है, रेसिस्टेंस कर रहा है, तो मार्केट यहाँ पे जाने के बाद एक रेसिस्टेंस भी ले सकता है या ब्रेकआउट भी कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेली में, तो यहाँ पे हम लोग डेली में देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट बहुत बुलिश दिख रहा है और ये ट्रेंड लाइन वीकली का हमको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट ने जो है कि 16,800 का रेजिस्टेंस था बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गया और 2 दिन यहाँ पे क्लोज दिया है, यानी कि ये बहुत ही पॉजिटिव साइड है। लेकिन क्या जैसे कि मैंने कहा है कि इवेंट है आगे जाने के बाद आरबीआई पॉलिसी का इवेंट है और ये मार्केट में देखे कि 3 दिन में बहुत ही अच्छा यहाँ पे बुल रन हुआ है, सभी दिन गैप देके ऊपर गया है, क्या ये पॉजिटिव संकेत है या नेगेटिव? अगर हम लोग ऐसे देखेंगे कि ऐसे मार्केट ने पहले बुल रन किया था, अगर हम लोग पीछे देखेंगे तो ये देखे और उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया। लेकिन जब ये मार्केट अगर ये टॉप में करता है, अगर ऐसी ही बात जो है कि मार्केट टॉप में करता है, यानी कि यहाँ पे देखो एक मार्केट वर्टिकल चला था, जैसे कि अभी भी ये 90 डिग्री में चल रहा है, तो 90 डिग्री में चलना मार्केट ये थोड़ा ज़्यादा डेंजर भी होता है। यहाँ से अगर मार्केट गिरता है
तो उतनी ही स्पीड से मार्केट यहाँ पे गिरता है। तो हमको यहाँ पे हम लोग बुलिश है, लेकिन साथ ही साथ हमको कॉशियस भी रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है कि 90 डिग्री जो है एक रैली के बाद जा रहा है तो डेंजर है, लेकिन अगर एक ड्रॉप के बाद जा रहा है तो एक बड़ा रैली कर सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चेतावनी भी देता हूँ कि मार्केट में थोड़ा सा हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कभी मार्केट यहाँ से जो है कि उल्टा ना घूम जाए। यहाँ पे अभी यहाँ पे मार्केट खड़ा है, यहाँ पे एक अपना रेजिस्टेंस भी था अभी जो है कि 17142 और उसके ऊपर मार्केट ये है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा 70392, ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ से मार्केट देखेगी, यहाँ से भी गिरा था तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए होगा। और अगला जो होगा जो कि 18000 का, तो यहाँ पे इसके बीच में भी एक है 17500 जो कि ग्राउंड फिगर रहेगा, इसके बीच में जो रहेगा 17500 हमको एक रेजिस्टेंस होगा ये लेवल पे ऊपर, और वो साइकोलॉजिकल लेवल होगा। अगर मार्केट पॉजिटिव हुआ है तो मीन्स क्या उसके सपोर्ट हो सकते हैं, तो पहला सपोर्ट है 16948 ए जो ए लेवल है, ओके मरुबधु कैंडल का टॉप है। अगर हम लोग नीचे देखेंगे तो लगभग जो है कि ये लेवल 16702, तो ये भी लेवल है, एक अच्छा लेवल है जहाँ से मार्केट जो है कि गैप अप ऊपर गया था। तो अगर हम लोग पॉजिटिव मार्केट के लिए सोचते हैं तो अगर मार्केट रिवर्स आता है तो क्या करना है, तो यहाँ से मार्केट में करेक्शन हो सकता है, थोड़ा रिवर्स भी आ सकता है, लेकिन मार्केट का करेक्शन कभी होगा कि एक नियर लो ब्रेक करेगा और ये रिवर्सल होगा। तो नियर लो अभी ये रहेगा मार्केट का ये जो कि बहुत ही नीचे है 16442, ये लो है। अगर ये लो ब्रेक करता है या फिर ये ट्रेंड लाइन जो हमने निकाला है ये ब्रेक करता है तो मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो यहाँ पे छोटे मोटे करेक्शन आते हैं तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा ये नहीं करेंगे, बट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा राइट, या फिर ये नियर लो है जैसे मैंने कहा 16442 ए लेवल है, जब मार्केट नियर लो ब्रेक करता है तभी ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो यहाँ पे मार्केट जो ऊपर जा रहा है तो ये थोड़ा ऊपर कंटिन्यूशन हो सकता है 17500 या 18000 भी जा सकता है। अगर नीचे आता है तो जैसे मैंने जो आपको सपोर्ट बताया वो सपोर्ट को ध्यान में रखना, लेकिन मार्केट कंप्लीट रिवर्सल ये ट्रेंड लाइन या फिर ये नियर लो ब्रेक करने के बाद ही हो सकता है। हम लोग इंट्राडे के लिए देखेंगे 5 मिनट के लिए ऊपर लेवल्स, तो अपना एक लेवल था उसके ऊपर मार्केट गया भी था, तो नेक्स्ट जो बाइंग का लेवल होगा वो होगा 17173 के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। सेलिंग के लिए हम लोग देखेंगे 17059 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। नेक्स्ट जो है कि बैंक निफ्टी, तो अगर लोग बैंक निफ्टी देखेंगे तो वीक ऑन वीक निफ्टी से इतना स्ट्रांग नहीं है, और जो कि फ्राइडे को जो कैंडल बना था ये थोड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल है, मार्केट पॉजिटिव था बट कैंडल यानी मार्केट ऊपर होने के बाद थोड़ा सा नीचे आया। ओवरऑल हम लोग ट्रेंड देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी जो ट्रेंड लाइन था जो बड़ा वाला लेवल है वीकली उसको ब्रेकआउट किया है और उसके ऊपर एक और दो दिन उसने क्लोज दिया है, तो बैंक निफ्टी में इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा रिट्रेस होने के बाद बैंक निफ्टी फिर से अप ट्रेंड में जो है कि जा सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी अगर ट्रेंड रिवर्सल करता है तो उसका लेवल 36739, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ये रिवर्सल होगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 38000 का यहाँ पे टारगेट है, बट अगर फ्राइडे का हम लोग कैंडल देखेंगे तो इसके ऊपर उसको 37756 के ऊपर इसको क्लोज देना चाहिए, और भी ऊपर के लेवल्स बैंक निफ्टी के आ सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है या अगर निफ्टी के साथ साथ चले तो और भी यहाँ पे स्ट्रांग हो सकता है। और जैसे कि आने वाले वीक में आरबीआई पॉलिसी है तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा यहाँ पे प्रेशर तो हो सकता है, इसलिए बैंक निफ्टी को संभल के ट्रेड करना है। इंट्राडे में हम लोग 5 मिनट के ऊपर देख दें कौन सा लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमारे लिए है, तो यहाँ पे कुछ लेवल यहाँ पे नज़दीक है, थोड़ा सा मैं ये लेवल जो है कि थोड़ा सा चेंज करूँगा। तो बैंक निफ्टी में हम लोग सेल कर सकते हैं 37342 के नीचे, ये लेवल के नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं। बाइंग के लिए भी हमको नज़दीक लेवल लेने पड़ेंगे, यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम लोग बाइंग करेंगे जो है कि 37552 के ऊपर। दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा है मैं यहाँ पे अभी कवर करूँगा, तो पहला जो स्टॉक है यहाँ पे टीवीएस मोटर के बारे में मुझे पूछा है रैन करके उन्होंने,
यहाँ पे टीवीएस मोटर का ये हम लोग जो स्टॉक देख रहे हैं, ये जो है हम लोग देख रहे हैं डेली में, तो डेली में अगर देखोगे आप टीवीएस मोटर में, तो जो ये बहुत अच्छे रैली कर चुका है और इसने ब्रेकआउट भी किया 814 का। अभी फ्राइडे का कैंडल देखोगे तो ये दिख रहा है ग्रीन, लेकिन ये निगेटिव है, तो यहाँ पे ये फिर से 814 के आसपास आने का चांस है। या फिर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो, 954 के ऊपर जाता है तभी भी। तो अभी ये जो है कि ये यहाँ पे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, शायद ये जो गैप आए ये एग्जॉस्ट गैप हो सकता है, और ये गैप फिल करने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म व्यू दूँ, तो शॉर्ट टर्म व्यू में अगर आपको बाय करना है तो 814 का, 814 का टॉप लाइन लगाकर आप शॉर्ट टर्म व्यू में बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि आईओसी, आईओसी के बारे में मुझे जॉर्जी करके उन्होंने पूछा है। आईओसी देखेंगे तो आप एक रेंज में घूम रहा है, यहाँ पे नीचे सपोर्ट 17 का है और रेजिस्टेंस 76 का है। अगर ये लेवल पे बाय करोगे तो 70 का टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है हीरो मोटो कॉर्प का, उसको मुझे पूछा है संजय जी करके उन्होंने, हीरो मोटो कॉर्प भी एक रेंज में कम्प्लीटली यहाँ पे देखे कि बहुत ही अच्छी तरह फंसा हुआ है ये रेंज की, उसको बाहर निकलना है। बाइंग किया होगा तो यहाँ पे 2726 का टॉप लॉस लगा सकते हो, और यहाँ पे 2884 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता तो फ्रेश पोजीशन लेना, तो ये ब्रेकआउट होने के बाद ही आप यहाँ पे पोजीशन लीजिए। नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक, समीर जी करके उन्होंने मुझे पूछा है। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक में हम लोग देखेंगे कि वो रेंज के अंदर है, कंसोलिडेशन में है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी स्टॉक बाय नहीं कर सकते, थोड़ा रिस्क होता है। ऑलरेडी बाय किया होगा तो आपको यहाँ पे 706 का टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, 739 के ऊपर अगर जाता है तो आप एक्सिस बैंक में बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है यूपीएल, तो आई थिंक यूपीएल का भी एक वीक में रिजल्ट है, और यहाँ पे मुझे ओम किनी जी ने पूछा है। तो यूपीएल यहाँ पे देखिए कि ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो सकता है 745 का, और उसके बाद आप उसमें बाइंग कर सकते हो, तो वेट कीजिए, यहाँ पे होने का ज्यादा चांस मुझे लग रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है जीएमडीसी, मुझे पूछा है सुमित करके उन्होंने जो है कि 70 में बाय किया, बहुत ही अच्छा बाइंग है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 166 का है, तो अगर आपको होल्ड करना है, आप इसको होल्ड करना चाहते हो, 70 में बाय किया है तो आपको 123, अगर एक लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो 123 का टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कीजिए, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सकता है। ये शायद लेवल ब्रेक नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा तो आपको ट्रेलिंग टॉप लॉस उसको लगा के रखना है। नेक्स्ट जो स्टॉक है पराग जी जो है कि मुझे पूछा है प्रदीप जी करके उन्होंने कहा कि यहाँ पे मंथली में कुछ बुलिश सिंगल फिन बन गया, तो बरोबर है। यहाँ पे मंथली में देखिए कि ये सपोर्ट लेवल है, अगर आप हम लोग ऐसा देखेंगे तो ये सपोर्ट लेवल के ऊपर लगभग ये सपोर्ट लेवल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, वहाँ पे एक बुलिश सिंगल फिन बन गया, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो बुलिश सिंगल फिन जो कैंडल बना है यहाँ पे, इसका जो हाई अगर हम लोग डेली में देखेंगे तो जो डेली में जो लेवल आ रहा है यहाँ पे हमको, तो इसमें आपको बाय करना है 995 के ऊपर, जो भी ये क्लोजिंग देगा तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आप इसमें बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है दीपक गाला जी करके उन्होंने मुझे पूछा है नोसिल के बारे में, तो नोसिल का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है, और लगभग नीचे जो एक हेड एंड शोल्डर टाइप भी दिख रहा है, यहाँ पे बाइंग किया होगा तो यहाँ पे मैं टॉप लॉस थोड़ा रिकमेंड करूंगा कि फ्राइडे का जो कैंडल का लो था 271, वहाँ पे टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। इसमें ये जो थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, तो ये रिट्रेसमेंट के बाद अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाता है और ऊपर जाता है तो नया बाइंग भी कर सकते हो 271 का टॉप लॉस लगा के। आईएएस के बारे में मुझे संतोष जी करके उन्होंने पूछा है। आईएएस का स्टॉक देखिए, ये थोड़ा नीचे आया और ये सपोर्ट लेवल के ऊपर सपोर्ट भी लिया, यानी कि अभी इसको 151 का टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हो, पहला टारगेट 167 का यहाँ पे आ सकता है। एबीबी के बारे में मुझे पूछा है प्रसन्न जीत करके उन्होंने, एबीबी का चार्ट थोड़ा हम लोग बड़ा करके देखते हैं तो ये ऑल टाइम हाई है, और ऑल टाइम हाई में ये फिर से एक कंसोलिडेशन बना रहा है। अभी यहाँ पे आपने बाय किया होगा तो उसको 2633 का टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो, और नया ब्रेकआउट 2832 का होगा, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होगा तो आप बाइंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा था, मैंने यहाँ पे मेरे व्यू बताए, ये मेरे खुद के टेक्निकल व्यू थे, ऐसे कुछ भी नहीं कि नेक्स्ट वीक में ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए, जिसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए।
दोस्तों आपको ऐसे ही मेरे साथ टेक्निकल से सीखना है लाइव मार्केट में ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और आने वाले वीक में यानी कि हमारा फ्यूचर ऑप्शन का एक कोर्स शुरू हो रहा है, उसके डिटेल मैं यहाँ पे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं उसके पूरे कोर्स की डिटेल दूंगा। तो जिसको इंटरेस्ट होगा फ्यूचर ऑप्शन में मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।